अक्षरा सिंह और पवन सिंह के मामले में लगातार अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं आई हैं। इस बीच अक्षरा सिंह ने जीवन में नई शुरुआत की है और इस नई शुरुआत पर हमने आप तमाम दर्शकों से आपकी राय मांगी थी। आप तमाम दर्शकों का दिल से शुक्रिया अदा कि आप लोगों ने इतने बढ़िया तरीके से कमेंट्स किए, सुझाव दिए हैं। अक्षरा और पवन का मामला भले ही बीच में अटक गया हो और कई सारी मुसीबतें आ गई हों, लेकिन अक्षरा ने जो नई शुरुआत की है उस पर तमाम दर्शकों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है और किस तरीके से अक्षरा सिंह ने नई शुरुआत की है और कौन सी नई फिल्म में वो आने वाली हैं, क्या है इसकी सच्चाई, जानिए इस रिपोर्ट में। अक्षरा सिंह और पवन सिंह को लेकर तमाम बातें सामने आई और अक्षरा सिंह बहुत ही ज्यादा परेशान हुई। परेशान होने के बाद अब अक्षरा सिंह ने जिस तरीके से अपनी नई शुरुआत की है वो जानकर आप दंग रह जाएंगे। अक्षरा सिंह के इस नई शुरुआत पर हमने फैंस से राय मांगी थी और फैंस ने अपनी राय दी है। जी हाँ, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम फैंस डिमांड और इसमें अक्षरा सिंह ने पवन सिंह को भूलकर जो नई शुरुआत की है उस पर फैंस की राय आप जानकर हैरान हो जाएंगे। शिवम गुप्ता कहते हैं आई लव यू अक्षरा सिंह। थैंक यू सो मच शिवम कि आपने अक्षरा सिंह के लिए इतने अच्छे कमेंट्स किए और उनकी नई जिंदगी की शुरुआत पर आपने बहुत ही अच्छी प्रतिक्रिया दी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शैलेंद्र सिंह कहते हैं पवन के साथ जो फिल्म आती थी अक्षरा की वो दूसरे के साथ सुपर कहां, ऐसा शैलेंद्र की सोच है। तो शैलेंद्र अक्षरा और पवन को एक साथ देख चुके हैं और उनको सिल्वर स्क्रीन पर इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए शैलेंद्र का इस तरीके की प्रतिक्रिया सामने आई है। शैलेंद्र सिंह का कहना है कि पवन के साथ अक्षरा जी की जोड़ी सुपर डुपर हिट लगती है और लगती रहेगी। तो बिल्कुल शैलेंद्र जी, हम दुआ करेंगे कि अक्षरा और पवन एक हो जाएं, तभी तो फिल्में बनेंगी भैया, दिल मिलेंगे तभी तो आगे काम बढ़ेगा। सोनम यादव कहती हैं लव यू अक्षरा जी। सोनम यादव अक्षरा को दिल से प्यार करती हैं, बहुत शुक्रिया सोनम आपने जिस तरीके से प्रतिक्रिया दी है अक्षरा सिंह के लिए। पटेल जी कहते हैं लव यू पवन सिंह। पवन सिंह के ये बहुत बड़े फैन हैं पटेल जी और इनका कहना है कि ये पवन सिंह को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। संदीप गुप्ता कहते हैं भगवान करे हमेशा खुश रहे अक्षरा। कहते हैं ना कि जिनको हम प्यार करते हैं उनके लिए हमेशा अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं और समझते हैं कि वो हमेशा अच्छा करें, और इस बार जो खुशी मिली है अक्षरा सिंह को लेकर संदीप गुप्ता बेहद खुश हैं और आशीर्वाद दिया है, दुआएं की हैं कि भगवान करे कि हमेशा अक्षरा खुश रहें। रंजीत कुमार कहते हैं सुपर जोड़ी और जमेगा अक्षरा जी के साथ इनका। जी हाँ, रितेश पांडे के साथ अक्षरा सिंह की जो जोड़ी है वो सुपर डुपर हिट बता रहे हैं रंजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और गणेश एंड कृष्णा कक्कड़ कहते हैं सुपर जोड़ी, बहुत बहुत शुक्रिया कक्कड़ जी। आप तमाम दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया कि आपने अपनी प्रतिक्रिया दी अक्षरा सिंह और पवन सिंह के मामले पर। अब नई शुरुआत की बात जो सामने आई है, वाकई में ये शुरुआत अच्छी होगी, ये बहुत बड़ी बात है। अक्षरा और पवन सिंह का मामला बहुत ही लंबा चल रहा था और एक वक्त ऐसा आया था कि अक्षरा सिंह को वीडियो वायरल करना पड़ा और सोशल मीडिया पर बताना पड़ा अपने संबंधों के बारे में। जब खुलासा उन्होंने किया तो तमाम बातें कहीं कि कैसे उनके जो पवन सिंह के दोस्त हैं वो अक्षरा सिंह को परेशान कर रहे हैं, और इस मामले से परेशान अक्षरा सिंह के डैडी भी सामने आ गए और उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को लोग परेशान कर रहे हैं, ऐसा ना करें, लेकिन मेरी बेटी हार नहीं मानेगी। अभी हाल ही में माँ कामाख्या के दर्शन करके लौटी हैं अक्षरा सिंह। इसके बाद उन्होंने भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना की है, बकायदा भगवान कृष्ण की उन्होंने मूर्ति रखी थी और उन्हें बहुत रिझाने की कोशिश की थी। उसके बाद अब नई फिल्म का ऐलान कर दिया है और इसकी शुरुआत भी होने वाली है, इसकी शूटिंग भी हो रही है 28 तारीख से। तो अक्षरा सिंह के लिए जिस तरीके से बड़ी खुशखबरी है, उसी तरीके से अक्षरा सिंह ने अपने फैंस को भी बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। उनके तमाम फैंस तहे दिल से अक्षरा सिंह का स्वागत करते हैं, उन्हें बहुत सारा प्यार और बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। अक्षरा और पवन के मामले में पवन सिंह ने कहा था कि आगे बढ़ने के लिए अक्षरा इस तरीके के काम कर रही है, लेकिन अब तो अक्षरा पूजा अर्चना कर रही है और फिर भी अक्षरा सिंह हमेशा
बुलंदियों पर चढ़ती जा रही हैं। तो अक्षरा सिंह को लेकर जो लोग तमाम बातें कह रहे हैं वो सुन लें, वो समझ लें कि किस तरीके से अक्षरा सिंह आसमान की बुलंदियों पर चढ़ रही हैं। तो यूं ही अक्षरा आकाश की बुलंदियों को छुएं, आगे बढ़े, ढेर सारी शुभकामनाएं। और अक्षरा सिंह ने कहा है कि उन्हें कानून पर भरोसा है, उन्होंने जो केस किया है अब पुलिस जवाब देगी, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी पवन सिंह को। हालांकि पवन सिंह कहते हैं कि वो निर्दोष हैं, लेकिन अब चूंकि पुलिसिया कार्रवाई चल रही है, अक्षरा सिंह ने मामला दर्ज करवाया है, तो अब तमाम जो चीज़ें हैं वो कोर्ट में हैं। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर है कि अक्षरा सिंह फिल्म की शूटिंग में जुटी हुई हैं, नई शुरुआत कर ली है उन्होंने, और तहे दिल से तमाम जो दर्शक हैं उन्होंने खुशी जताई है और बहुत सारा प्यार लुटाया है। नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया के लिए शशिप्रिया सिंह की रिपोर्ट। तो देखा आपने, अक्षरा और पवन सिंह को लेकर तमाम लोगों ने बहुत सारी शुभकामनाएं दी हैं। अक्षरा सिंह की फैन फॉलोइंग्स बहुत ज़्यादा हैं और उन्होंने दिल से अक्षरा सिंह के लिए अच्छा चाहा है और ईश्वर ने भी सारे रास्ते खोल दिए हैं। माँ कामाख्या ने शायद कोई जादू की छड़ी घुमाई है और मायावी कृष्ण ने जरूर कोई माया रची है। अक्षरा के जीवन में आ गई खुशी और ये खुशियाँ बरकरार रहें। 28 तारीख से एक बहुत बड़े फिल्म की शूटिंग हो रही है और इसमें अक्षरा सिंह की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, लीड रोल में नज़र आ रही हैं और बेहद खुश नज़र आ रही हैं। तो उनकी खुशी, उन्हें मुबारक और ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। हमारा ये कार्यक्रम फैंस डिमांड आपको कैसा लगा ज़रूर बताएँ। नमस्कार।